की गई है। सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सभी सदस्य उपस्थित हुए थे। कुल मिलाकर बीते दिनों जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इस जिले में पाए गए हैं, उन सभी इलाकों के कंटेनमेंट प्लान को स्वीकृत किया गया है और इसी कंटेनमेंट प्लान के अनुसार ही अग्रेतर कार्रवाइयाँ इन सभी इलाकों में की जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से यहाँ लगातार लौट रहे हैं। सभी चेक पोस्ट पर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाता है। अभी बेहतर यही रहेगा कि तत्काल 10 से 12 दिनों तक सभी लोगों से मिलना जुलना कम करें और अपने ही गांव के किसी सरकारी विद्यालय में या पंचायत भवन में या किसी अन्य सरकारी भवन में ही अपने आप को रखें। और इस आलोक में यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आने वाले 10-12 दिनों में उनका उनके गांव के किसी भी लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं होता है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से बचाव काफ़ी हद तक संभव हो पाएगा। जितने भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बीते 5-6 दिनों में, सभी बाहर के राज्य से, खासतौर पर सूरत से लौट कर आए हैं। सूरत जो कि एक रेड जोन का डिस्ट्रिक्ट है, अतः हम लोगों ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोगों पर भी कुछ निर्णय लें और अगर ऐसा आवश्यकता पड़ता है तो कंटेनमेंट जोन से लोगों के आने पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। यहाँ पर हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा यही रहेगा कि जितने भी प्रवासी मजदूर आते हैं उनको धनबाद, बोकारो, जसीडी, कोडरमा आदि स्टेशन पर उतारने की बजाय सीधे हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर उतारें, ताकि गिरडी आने के बाद उनको उनके गांव पंचायत जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।